मूसलाधार बारिश से अंडर ब्रिज हुआ लबालब। कस्बे के अजमेर रेलवे फाटक के पास स्थित 57C अंडर ब्रिज में सोमवार को हुई तेज मूसलाधार वर्षा के बाद अंडर ब्रिज लबालब हो गया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन तो अंडर ब्रिज में बीचों बीच जाने से फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हालांकि वाहन चालक की गलती थी, अंडर ब्रिज में भरे पानी में नहीं जाना था। श्री साई दर्शन सेवा संस्थान द्वारा इसका कवरेज किया गया और लबालब भरे अंडर ब्रिज के फोटो और वीडियो भी रेलवे अधिकारियों को साई संस्था द्वारा भेजे गए। रेलवे प्रशासन ने यह आश्वासन दिलाया कि जल्द ही इस अंडर ब्रिज को खाली कर दिया जाएगा। रेलवे अंडर ब्रिज 58C श्री साई झांझरिया हनुमान जी मंदिर के पास के बारे में भी रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी गई। आज दिनांक 24 अगस्त को तेज हुई मूसलाधार वर्षा से सभी ने रात की सांस महसूस की है। काफी दिनों से तेज गर्मी थी, उमस थी, सभी परेशान थे और निरंतर श्री इंद्र देवता जी से वर्षा को लेकर प्रार्थना 36 कौम द्वारा की जा रही है। आज हुई वर्षा से मारवाड़ जंक्शन के अजमेर रेलवे फाटक स्थित 57C अंडरब्रिज में पानी लबालब हो गया। एक गाड़ी भी उसमें फंस गई, उसको भी बड़ी मुश्किल से निकाला गया और सभी वाहन चालकों को आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है। साई दर्शन द्वारा दिए समाचार देने के बाद तक कोई भी ठेकेदार इस अंडरब्रिज को खाली करने नहीं पहुंचे हैं। इस वीडियो के माध्यम से और फोटो के माध्यम से श्री साई दर्शन सेवा संस्थान द्वारा रेलवे अधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा है। तुरंत ही इसे खाली किए जाने की संभावना है। श्री साई दर्शन सेवा संस्थान कार्यालय से देवेंद्र सिंह मीना, मारवाड़ जंक्शन।